अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अक्सा खान और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी। दो तीन एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये सबसे ज्यादा टेस्टी और अच्छी रेसिपी थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे और देगची चढ़ा के उसमें चिकन डाल देंगे। चिकन में हम डालेंगे पानी 2 जग और चिकन हमने विद बोन लिया है ताकि यखनी अफादियत वाली हो। आप चाहें तो आप विदाउट बोन्स भी ले सकते हैं। इसका ढक्कन लगाकर हम इसको रख देंगे पकने और इन 4 सब्जियों को आपने ले लेना है, इनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। ठीक है जी, फिलहाल के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, वो हैं अदरक, लहसुन और प्याज। प्याज मैंने हरी प्याज का ही ऊपर का एरिया ले लिया है क्योंकि मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। आप चाहें तो सिंपल वाली भी ले सकते हैं। इन 3 चीज़ों को हमने छील लेना है और छील कर अपनी यखनी में चिकन में ऐड कर देना है। इसके अलावा हम अभी और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे और ना ही गर्म मसाला ऐड करेंगे ताकि हमारी यखनी लाइट वेट बने। ठीक है जी, आप इन सब्जियों को करीब से देख लें। ये रही गाजर, क्यूब्स में कटी हुई है। शिमला मिर्च भी क्यूब्स में कटी हुई है और इसके अलावा हरी प्याज बारीक बारीक कुतरी हुई है, चॉप हुई भी है। और ये जो भुट्टे हैं इनको हम पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इनका। सूप के साथ सर्व किए जाने वाले दो बहुत ही सिंपल सॉस हैं, चलें वो बना लेते हैं। पहले में हमें चाहिए सिरका और हरी मिर्च। इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितनी नीड है आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो जी लीजिए, फर्स्ट हमारा रेडी हो गया। दूसरे सॉस में 3 चीज़ें जाएंगी, सोया सॉस, गार्लिक पाउडर और सफ़ेद तिल। इन तीनों को भी एक कंटेनर में डाल लेना है हमें और मिला लेना है। अच्छा जी, हमें यहाँ पर नमक ऐड नहीं करना क्योंकि सोया सॉस में पहले से ही नमक होता है। वही सॉस हमारे रेडी हो चुके हैं, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इनको हम साइड में कर लेते हैं, वेजिटेबल्स हमारी पहले से कट हैं। हमारी यखनी भी रेडी हो गई है, यखनी को और चिकन को अलग कर लेंगे। चिकन की बोन्स निकालनी है। आप चाहें तो इसे हाथ से रेशा बना लें, मैंने जो है वो चॉपर में इसलिए डाला है क्योंकि चॉपर में अगर हम चिकन को चॉप कर लेते हैं तो ये देखिए जी, चिकन कुछ हमारा इस तरह से नज़र आएगा। इससे ये होगा कि हमारा जो सूप होगा उसकी कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है जी, ये हमने ले ली है यखनी, 1.5 जग यखनी है। इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, 1 जग हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। अच्छा जी, हमारे घर में 6 पर्सन्स हैं तो ये 6 to 7 पर्सन्स की सर्विंग है। आपके अगर आप 6 लोगों के लिए बना रहे हैं तो काफ़ी होगी। इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, चाइनीज नमक, ब्लैक एंड वाइट पेपर, गार्लिक पाउडर और एक चिकन क्यूब। स्पाइसेस के बाद हम इसमें अपनी गाजर भी ऐड कर देंगे क्योंकि गाजर थोड़ा सा टाइम लगाती हैं गलने में। और जी, हमारी गैस की हालत बहुत ही नासाज है। और इसके साथ ही हम अपना कॉर्न जो है हमारा भुट्टा पिसा हुआ उसका पेस्ट वो ऐड करेंगे। चिकन जिसका हमने रेशा बना लिया था, चिकन ऐड करेंगे इसमें। और इसके साथ ही हम अपने कैप्सिकम और ग्रीन अनियंस को भी ऐड कर देंगे। और अब हम वेट करेंगे कि हमारे सूप में बॉयल आ जाए, जो कि एक बहुत ही मुश्किल अमल है क्योंकि हमारे घर गैस ही नहीं आ रही। वैसे तो हमारे घर सिलेंडर भी है लेकिन मेरी वालिदा मोहतरमा मुझे सिलेंडर से बहुत दूर रखती हैं, कहती हैं कि आप फ्री में जो है वो धमाके कर देंगी। चलें जी, जब तक हम कॉर्न स्टार्च बना लेते हैं, मतलब कि कॉर्न फ्लावर और पानी को मिला लेते हैं। ये मिल गया, लो जी ये भी हो गया। अब हम बैठे हुए हैं, इंतज़ार फरमा रहे हैं। ये देखिए सब कुछ रेडी है और हम भी रेडी हैं, पक चुके हैं हम। शायद यही बात है कि मौत आ जाएगी पर गैस नहीं आएगी। और फाइनली जी, हमारा बॉयल आ गया है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलें जी, अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर जो है हमने जो बना लिया था उसको ऐड करते हैं। कॉर्नफ्लावर मैंने 4 चम्मच लिया था और उसमें पानी डाला था। और जब आप अपना कॉर्नफ्लावर डाल देंगे तो फिर आप देखेंगे कि सूप की कंसिस्टेंसी हमारी ठीक हो जाएगी, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, एग जो है वो कंप्लीट पूरा नहीं डलता, एग योक नहीं डलती, सिर्फ एग वाइट्स डलती हैं। लेकिन अब वही बात है, हम तो हैं जी पाकिस्तानी, हमने कहा हम जल्दी का क्या करेंगे, इसको भी डाल दो। तो आपके ऊपर है, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा पकाने के बाद आप इसको सर्व कर लें, डिश आउट कर लें, जिस तरह से चाहें वैसे। कुछ लोग ब्रेड के साथ खाना पसंद करते हैं, कुछ बॉयल एग्स के साथ और कुछ पापड़ी के साथ। ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह खाएं। बस जाते जाते मुझे सब्सक्राइब कर जाएं। और जी, हमने जो 2 सॉस बनाए थे उनके साथ इसको गार्निश कर लेंगे। दोनों सॉस डाले हैं हमने बारी बारी और अपनी स्प्रिंग अनियंस डाली हैं जो उस टाइम स्टार्टिंग में कट की थी। चलें जी, हमारा यम्मी सा चिकन कॉर्न सूप रेडी हो गया है। और ये मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। और ये जो मेरा रिएक्शन है ये भी ऑर्गेनिक ही है, फेक नहीं है। और ये देखें जी, मैं जिंदा हूँ, ये वीडियो अपलोड हो रही है। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।